नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। आज हम बात करेंगे जोमैटो और उबर इट्स के बारे में। जी हां, जोमैटो ने खरीदा उबर इट्स, डिलीवरी ऐप होगा बंद उबर इट्स का। क्या होगा कैब सर्विस का, चलिए जानते हैं। अमेरिकी कंपनी उबर इट्स ने अपने भारतीय कारोबार को जोमैटो को बेच दिया है। बता दें कि भारत में उबर का फूड डिलीवरी सिस्टम घाटे में चल रहा था, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। जोमैटो ने उबर इट्स को करीब 35 करोड़ डॉलर यानी कि 2485 करोड़ रुपए में खरीदा है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक ये डील में उबर को जोमैटो ने यानी कि जोमैटो से 9.99% शेयर मिलेगा। 20 जनवरी की रात को ही इस डील के बाद उबर इट्स ने अपने रेस्टोरेंट पार्टनर, डिलीवरी पार्टनर और कस्टमर्स को जोमैटो के प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट करना शुरू कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर माना जाए तो उबर इट्स को ये फैसला लगातार हो रहे घाटे की वजह से लेना पड़ा। इससे कंपनी की पॉलिसीज को भी एक वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से उबर इट्स ने जोमैटो को अपना कारोबार बेचने का फैसला लिया, यानी कि भारत में, सिर्फ भारत में जो फूड डिलीवरी ऐप चल रहा है उसको बेचने का फैसला लिया। उबर इट्स के पिछले 5 महीनों के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो कंपनी को 2197 करोड़ रुपए का घाटा होने की रिपोर्ट है। उबर कैब की सर्विस रहेगी जारी। हालांकि कंपनी ने यह फैसला केवल भारत में उबर इट्स के बिजनेस को लेकर लिया है, दुनिया के अन्य देशों में उबर इट्स अपनी सेवाओं को अब भी जारी रखेगा। इस डील के बाद जोमैटो का मार्केट शेयर 50% से ज्यादा हो गया है। अभी तक स्विगी 48% मार्केट शेयर के साथ पहले नंबर पर था। निकाले जाएंगे उबर के कर्मचारी इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट की माने तो जोमैटो ने उबर के कर्मचारियों को अपनी कंपनी में जगह देने का फैसला नहीं किया है, लेकिन ऐसे कर्मचारियों के भविष्य के विषय में दोनों ही कंपनियों की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी अब तक नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि इन कर्मचारियों को किसी दूसरे बिजनेस में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि राइड शेयरिंग बिजनेस उबर कैब को साल 2020 200 शहरों तक एक्सपेंड करने की टारगेट रखा गया है। फिलहाल उबर 50 शहरों में एक्टिव है। कंपनी अपनी बाइक फैसिलिटी पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। इन सारी बातों के मद्देनजर एक चीज तो साफ हो जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो रोजगार ना मिलने की कवायद चल रही है या बेरोजगारी के दिन जो करीब आ रहे हैं, उबर इट्स का जोमैटो को अपना बेचना, भारत का फूड डिलीवरी ऐप या उनका पूरा कारोबार जो शिफ्ट कर देना है जोमैटो को और जोमैटो ने खरीद लिया है, इससे एक चीज तो तय है कि जिस तरीके से जोमैटो ने उन कर्मचारियों को लेने से साफ इनकार कर दिया है, उबर इट्स के सारे कर्मचारियों को कहीं अगर शिफ्ट भी किया जाए तो क्या गारंटी है कि सारे के सारे कर्मचारी किसी एक बिजनेस में शिफ्ट कर दिए जाएंगे या सारे कर्मचारियों का भविष्य किसी एक बिजनेस में सही रहेगा। इन सारी बातों के सवाल सिर्फ सवाल हैं। अब ये बेरोजगारी का आलम है या भारतीय अर्थव्यवस्था की लचर स्थिति, ये तो आने वाला वक्त ही बता रहा है और आप और हम सब ये सारी बातें जानते हैं। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दिलोक नीति के साथ।